देसी टॉक अपन बात अपन अंदाज। जय हो, मैं हूँ संदीप अखिल, आप देखो तो हमारे साथ देसी टॉक। देसी टॉक में हमारे साथ है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है साय जी। धन्यवाद। आपके प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुए? देखा मोर शिक्षा हल हमार गांव भगोरा में। हाँ। थाना आज पहले दिन फरसा बाहर। हाँ। और वो जमाना में ओती जिला उला तो नहीं रही, लेकिन तहसील हल जसपुरे रही जो आजकल जिला हो गए है। हाँ। वहीं से मैं प्राइमरी स्कूल पढ़े बर जात रहे। हाँ। और दूरी उठने हमारे जो स्कूल गुड़ी घर में लागत रही, वहाँ आधा खपरा गिरल आधा बाँचल वही में एक ठो मास्टर रही। हाँ। तो वही में हमन जान और बैठन वहाँ, और हमार घर ले छोटे छोटे पटिया बना दे मोर माँ हर बनाई रही। अच्छा। ओला लेकन जान और एक ठो सिलट और उमे पेंसिल रहे। हाँ। बस्ता एक ठो के टांग के। हाँ। और हमन हर वो जमाना में अंडरवियर पेंट मन नहीं रही से, तो करिया ऐसे बांध के एक ठो छोटा कपड़ा रहा देसी अपन जे हमार चीक मन बिनत रहें ओकर ऐसे भौरी बना के कन्हिया में पिंधत रहें और स्कूल जात रहे। तो प्राथमिक शिक्षा के बाद कहा कि आप शुरू से शिक्षा में रुचि रहे हैं। हाँ। तो फिर कैसे मन में आई कि आगे के पढ़ाई करे जाए और पढ़ाई करे जाए? अरे भाई साहब, इतना रोचक बात है, सबला बताए के पाता नहीं, आपके पास समय कम हुई। लेकिन कहा हुई समय जो पढ़क पढ़क जात रहे ना। हाँ। तो धुरियाँ तो रही कम से कम भी 3-4 किलोमीटर। हाँ। और जंगल रहे पूरा डगर, अगल बगल में झाड़ी झुड़कुट सब। तो वहाँ मोर एक ठो चचेरा भाई भी रही, ओकर नाम जगदीश। और एक ठो हमार मामा घरान के वंश में एक ठो हमार मामा रही सो बड़े उम्र के रही। हाँ। ओकर नाम रही से साधु साय। हाँ। ये तीनों झन चली पढ़े। हाँ। तो साधु साय थोड़ा कोढ़िया है पढ़े में, वो मामा हमार। हाँ। तो यो भाँचा पढ़े जाए के कहा जरूरत है, मैं तो आप मला पहली के सब ला पढ़ा दूँ। मैं कहीं मामा नहीं जाबो तो कहीं पता चल जाही घरे हल माँ हमार बिगड़ ही। अरे कोई नहीं होए हो, चलो तो वो जंगल में हमन छुप जान। दिन में घर ले बासी उसी खा के जंगल में छुपे रहन, और वहीं कुछ कुछ पढ़ाए चाहे नहीं पढ़ाए तो कभी तेंदू के फल ला तोड़ के खान और कभी कुछ और करन, और शाम हुए तो फिर घर आ जा। हाँ। स्कूल गए रहे माँ, ये मास्टर बन नहीं देखी तो कोई अंतर ध्यान हो गए रहे का? हाँ, कि कोई जादू मंत्र लगाए रहे? हाँ। 2-3 दिन ले हाथ नहीं है कहत हैं ये मास्टर बन। हाँ। मैं रोए के लागे चुपचाप, गलती तो होगी। ओकर बाद मैं कहे ऐसा ऐसा हो इस माँ, मोर मामा साधु वो भी पढ़ते हैं और एक मोर भाई भी, अरे मन तो जंगल में जाके दिन भर छुप जाते हैं, मैं भी उमने के साथ में छुपत रहे। वो मास्टर मन हम बड़ा खिलखिला के हंसी। तो मोर माँ हर कही गुरुजी आज तो चले जावा, कल ले ये जंगल छुपैया मन कर मैं उपाय कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, कल मैं सब उपाय बना दू। हाँ। दूसरा दिन हो भैया चल चल तो है आज महू जाऊँ। हाँ, स्कूल में देखे जात हो। हाँ। कैसे जात हो, कहाँ पढ़त हो, मोला देखे के विचार है। हाँ। तो मोर माँ संगे संग 3-4 किलोमीटर चल के स्कूल पहुँचा दी। अब वो दिन वो दोनों हमार मामा और वो चचेरा भाई वो कहाँ रही मैं तो देख नहीं पाए, मोर माँ कर डरे। और धीरे धीरे मैं चल के पहुँच गए, वहाँ छोड़ दीस। फिर शाम के मैं आ गए। दूसरे दिन कैसे आज तो चल जाऊँ मामा, मैं आप मत जाओ माँ, कितना उतना दूर चलवे? नहीं मुके चले में दिक्कत नहीं है, आज भी चलूँ। 7 दिन तक मोर माँ लगातार स्कूल तक पहुँचाईस, और ओकर बाद में इधर जंगल छुपाई और वहाँ इधर जवाई बंद हो गए और मोर पढ़ाई शुरू हो गई। वाह वाह, बहुत अच्छा बात बताया। बहुत माँ से जुड़े कुछ और बात आपका ध्यान हो याद कर? रविवार के दिन मोर माँ मोर बड़ी माँ मोर छोटी माँ सब बाजार जाए। हाँ। तो मोर माँ मन रहे तो मोर बड़ी माँ के एक जूठू बहनी मन रही।
और ये जगदीश जेकर नाम कहत हूँ वो भी रही तो हमन का करण इवन सवेरे जैसे मोर माँ बाजार जाए तो हमन दिन भर खाना पीना छोड़ दें वो घर के जो बाँचल मन कहें कि आओ रे भाषी उसी खाना नहीं हमन माँ मनाही तो हमन उमन कर डगर ला देखत हूँ माँ जब दिखे बाजार से आते आते ऐसा दौड़ लगान हमन कि जहाँ हमार माई मनात हैं वहाँ पहुँच जाने एक दूसर से आगे लेकिन सबसे आगे मैच दौड़त रहे वहाँ जाके पाँव में लिपट जान तो अरे बाबू का हो गए वो माँ मिठाई वो बाजार के मिठाई ओकरे पर तो हम दिन भर ही बैठे रहे वो निकाल के वो गुड़ के बना हुआ दे क्या अमृत सही हाँ अमृत जैसा लगे एकदम आँख में आंसू आ जाए और मिठाई दो दो ठू चार ठू सब ला धरा दें और प्रेम से वहाँ जाए घर और तब माँ के साथ बैठ के यहाँ पर खाना ला खाई। आगे के कैसे करो पढ़ाई आप? मिडिल स्कूल हमार तपकरा में रही वहाँ पढ़े पर मैं चल गया वहाँ चले के बाद में हमार मामा घर देख रेख में मैं पढ़े वहीं रहत रहे और वहाँ पाँचवीं छठवीं सातवीं आठवीं सब पढ़ गए मैं मामा मन कर बड़ा देख रेख रही बहुत सम्मान से अपन लड़का जैसे उस समय में मोर मामा घर में चार भाई में दो भाई तो खत्म हो गए रही बड़े और संझला रही तो मन कर कोई लड़की नहीं रही बड़े मामा कर लड़की मन रही मन कर शादी वादी हो गई लड़का एक भी नहीं रही तो वहाँ मोर इतना दुलार इतना आलार इतना सेवा सत्कार बढ़िया से पढ़े और एक बड़ा कठिन काम हो गए मोर एक ही लड़का है कह के नौवीं पढ़ते हैं 23 साल मोर शादी हो गई। अच्छा हाँ मैंने बहुत छोटे में करत रही शादी हो गए तो मोर बहुत तकलीफ होगी इसकी पढ़ना तो बहुत जरूरी है मोर पढ़ाई के कठिनाई के बताता हूँ शादी अलग हो गए बाबूजी के कुछ तबीयत भी थोड़ा खराब हो गई दिमाग से घर में नहीं रहते रही तो मैं घर में लोज हल चलाऊँ सवेरे दो तीन जने और नौकर मन हो रही उमन कर साथ में हल चलाऊँ बासी खा के फिर साइकिल में तब बराबर पढ़े बढ़ जाऊँ 10वीं कक्षा के ओला पास करें 11वीं कक्षा पढ़ना बाकी रही तो 11वीं कक्षा भी मैं पढ़ लें वही खाली हल चला के बासी खा के वहाँ जाके पढ़ाई कर जाऊँ मैंने 9 बजे तक मैं हल चलाऊँ और मैंने फिर वहाँ बासी उसी खा के पगडंडी रास्ता जंगल के और फिर साइकिल से वहाँ जाओ मामा के साइकिल रही ओला मुके दे रही कि यही ला चलाओ हमारे घर में तो नहीं रही से और ऐसा करके 11वीं पास कर गई तो प्रिंसिपल हर कही कैसे रे नंद कुमार तुला पता नहीं चले का कर रथस यदि 12वीं कक्षा के मैंने पढ़ाई पर खुले है कक्षा इंटरमीडिएट कथे ओला तो बहुत पिछवाई गए तुम तो वहाँ कैसे जो प्रेम दान बेक आई से है अधिनसाय आई से है और यहाँ मयाल साय आई से और मन दो चार जन पढ़ते हैं मैं तो नहीं जान पाए गुरु प्रिंसिपल साहेब मैं का करूँ मोर पढ़ाई के इतना मन करत रही लेकिन मैं तो पिछवाए गए तो सब प्रिंसिपल है और लेक्चरार मन से मीटिंग वीटिंग करी आज तो 1 दिसंबर तो ख़त्म हो गए ये लड़का ला कैसे करी नहीं ये लड़का शायद पढ़ाई ला संभाल रही इला एडमिशन कर देता और कल आ जावे तो एडमिशन करबो और 1 जनवरी के मोर एडमिशन करी अच्छा हाँ और 1 जनवरी मोर जन्मदिन भी है अरे वाह हाँ तो वो दिन एडमिशन कर ली मैं डेरा उरा डंडा मोर पत्नी ला वो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन बहुत सुशील ओकरे कारण से मैं पढ़ पाए नहीं तो नहीं पढ़ पाते। देखो आपके जीवन में माँ ओके बाद पत्नी ये सब महिला मन के बड़ा आपके हो रही थी स्नेह मिली साहब ला बहुत तो मैं कहें देख अगर बोला पढ़ाई पढ़ना बहुत जरूरी है ये घर के काम ला मैं बीच बीच में आऊँ देखूँ लेकिन 2-3-4 महीना अभी जो पढ़ाई है ओकर बर मुके तबकरा में डेरा करना पड़ी आवाजाही में पढ़ नहीं पाऊँ फेल हो जाऊँ पूरा घर के काम ला संभाली वहाँ डेरा करके वहाँ वहीं खाना उना बना के जनवरी फरवरी 2 माह पढ़ें और मार्च महीना के 2रा सप्ताह में परीक्षा शुरू हुई पूरा पढ़ाई करके मैं बढ़िया से
लिखें परीक्षा, रिजल्ट आ गए, रिजल्ट आ गए तो ओकर बाद में मैं अखबार में खोजत होना रोल नंबर ला, मिल भी नहीं करत है, बाकी सब कर ला देखे, सब पास हो गए, मोर तो दिखबे नहीं करे, बहुत दुखी हूँ, गड़बड़ा गई रिजल्ट मोर, ऐसा सोच लें तो 8-10 दिन रिजल्ट के आए के बाद सब अपना टीसी उसी निकलवा के ले गए और मोर मुके जाए के हिम्मत नहीं। फिर हमार वो प्रिंसिपल साहेब है दोबारा भेजिस चपरासी ला, ये लड़का तो बिना बुला ले आबे नहीं करे, कहाँ पर नहीं आए यहाँ, तो जाइस लेके तो प्रिंसिपल साहेब बोले ही नहीं। फिर से मैं कह का होगी इसका मोर रिजल्ट तो दिखबे नहीं करत है, फेल की का होगी, मुझे बहुत तकलीफ है। नहीं वो प्रिंसिपल साहेब कहते हैं सब कर ले बढ़िया रिजल्ट तो तोरे है। अरे वाह। मैं कहें कैसे, मैं तो नंबर देखत नहीं हूँ, बाकी सब थर्ड डिवीजन में पास हुए हैं और तो अच्छा सेकंड डिवीजन में पास हुई से नंद कुमार साहेब, ऐसा प्रिंसिपल साहब कहत रही हैं। अच्छा। बहुत माछे खिल गई पत्नी ला के हैं कुछ पैसा है दे दे रो, कहे कि हमारे गुरु जी मिला कुछ ना कुछ तो मिठाई खिलाना पड़ी। हाँ हाँ 50 रुपया की कितना देश, तो मैं बड़ा आनंद से चले उस चपरासी से, सवेरे की बात है जाके प्रणाम करें एकदम चरण में, अरे नंद कुमार तुम तो नंद कुमार नहीं जी, तुम तो राजकुमारे हो, तुम बिना बुलाए आते नहीं हो। मैं कहें प्रिंसिपल साहेब मोला पते नहीं चली, मैं तो हवा मैंने फेल हो गए ऐसा लागत रही। अरे तोर अच्छा रिजल्ट है, थोड़ा और जोर मारते ना तो प्रथम श्रेणी आ जाती हर डिविजन। आप सबका आशीर्वाद है, पैसा लेके मैं वहाँ के सबसे अच्छा मिठाई बालू साहेब। अच्छा। मैं कह सबके मिठाई ले आ तो 2-3 किलो कितना हो उस जमाना में, वो सबके सब गुरुजी मंडला सब ला मैं सौंप दें, आप सबका है। हमारे प्रिंसिपल साहब सबसे पहले एक तो मैं कह तुमने ये जो इंटरमीडिएट वाला कक्षा ला बहुत अच्छा करे है, एक ठो मिठाई मोर हाथ से तोला खिलाऊँ, एक मिठाई मोला खिलाई आँख से आंसू आ गई, रोमांचित हो गए और यहाँ से मोर पढ़ाई के दूसरा बार सीढ़ी चढ़ गई। सही कहना है, ये भगवान की बड़ी कृपा रहे और मोर पत्नी के बड़ा सहयोग है, मोर माँ के मोर बाबा के आशीर्वाद है। राजनीति में कैसे आए आप? मोर राजनीतिक लाइन शुरू हो गई रिस जब मैं कॉलेज में पढ़त रहे, मैं पहला चुनाव छात्र संघ के 70 में लड़े हूँ। अच्छा। हाँ 70 जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करत रहे। हाँ। तो वहाँ एक झने से हमारे लड़ाई हुई जीते। अच्छा। मैंने चुनाव हुई। अच्छा। छात्र संघ के और मैं जीत गया हूँ। 70 में। और उसके बाद में एक ठो आंदोलन बहुत बड़ा चलाए रहे शराब के खिलाफ वही समय में। हाँ। यही आंदोलन है जब आप नमक छोड़ सकते। हाँ वही है। अच्छा। वही से तो शुरू है। हाँ। तो वहाँ मैं पढ़त पढ़त बहुत बड़े बड़े आंदोलन, एक बार हमारा एक छात्र जयवाला जी बस से गिर गई तो पूरा बस के बंद करवा दें, ये चोट लागी से एक ठीक इलाज करवाओ, एक खाना पीना तय करो, मैंने नेतागिरी के जैसे होते सारा बस बंद, हम सारा छात्र कहें कि एक बस नहीं चलेगा सब यहीं खड़ा करो। हाँ बाद में ओकर सब तैयारी वराई करें और बालाजी वाला हमरे तब करा कर रहे गणेश गुप्ता परिवार। अच्छा। तो बाद में आके कहें बाबू गलती तो हो गए कैसे गिर गए अब ओकर सुधार हो गए बस ला छोड़वा दे। अच्छा अब छोड़ दो जी बस सब बस चलो। हाँ ये काम वहाँ शुरू हुई तो उस समय शराब के बड़े बड़े आंदोलन कर रहे 500 से अधिक लड़का मन दारू के खिलाफ में, हमारे जो अवैध दुकान रहे ने कभी वो मैंने तालाब के बगल में अवैध दुकान लगा दें परचून के दुकान, कोनो मंदिर है तो ओकर पिछवाड़ा में, कहीं बगीचा के बगल में, कहीं तालाब के किनारे, कहीं कुआं के बगल में, बोला सब के उठा के फेंक देते ये अवैध दुकान है कर लाइसेंस बताओ, अगर लाइसेंस नहीं दिखा सकत हो तो हटाओ यहाँ और सीधा डायरेक्ट हुक एंड कुक। तो बहुत सारा रोज केस हो जाए, पुलिस वाला तो भट्टी संग मिले रहे, एक जगह एक मीटिंग करें तो हो रहे आंदोलन बहुत अच्छा है लेकिन हमारे ताकते नहीं पूरत है, अगर नमक कोनो छोड़ देती मैं कह आप में से कोई छोड़ो
हमन तो दारू नहीं छोड़ पाते, नमक का छोड़बो? हाँ तो कौन छोड़ी? आप ही ये ताकत ला कर सकत हो। अगर आप नमक छोड़ देते तो वाला आकाश दीप जैसे, कोई चंद्रमा जैसे वाला देख कर दारू छोड़े के मार्ग ला हमें वही डहर में जातर। मैं कह मोर नमक ला काबर छोड़ा थो भाई। नमक और दारू की कहीं मेल है का? नहीं मेल तो नहीं है, लेकिन हम दारू छोड़े के काम ला यही रास्ता में कर सकत हन, ऐसा हमर मन में लागे। आप बोला तो आप ला सोचना, आप छोड़ सकत हो कि नहीं छोड़ सकत हो। अच्छा भाई देखो, दारू ला छोड़ो, 23 सितंबर 1970 की बात है ये, गोठर वो दिन के वो मीटिंग की बात है। मैं हर कहें कि देखो आप मन सब दारू ला छोड़ो, आज ही तारीख ले मैं नमक ला छोड़ो था। अच्छा, बहुत बड़े घोषणा करे। हाँ, और मैं आप मन सब देखत रही हूँ मोला, सब एक एक झन ड्यूटी लगा के कि मैं नमक खात तो नहीं हूँ, और लेकिन आप मन दारू छोड़े हो कि नहीं छोड़े हो एला मैं नहीं चेक करूँ, आप मन के सबके आवा के बताना पड़ेगी कि हमन छोड़ दें, मैं छोड़ दें, दू झन छोड़ें, चार झन छोड़ें। राजनीति की मुख्य धारा में आप कैसे आए? गणेश गुप्ता कह रही ये इतना बड़ा आंदोलन करत है यार, सब बस ला बंद करवाई से कभी न कभी ये नेता बन जा। अच्छा, ऐसा लगत है मुख्य। हाँ, ये पहले ही उमन कर मोरे सामने घोषणा रही। अच्छा, गुप्ता जी के? गुप्ता जी के 75 महीने इमरजेंसी लग। हाँ, आप मन तो खाली सुने हो। हाँ, हमन वाला भोगे हन, इमरजेंसी छूट गए। इमरजेंसी जब छूटी तो चुनाव घोषित हो गए, सब नेता मन बाहर आ गए। हाँ, अब आगे यहाँ सब सारा सब शुरुआत हो गए, सब नेता मन छूट गए, और वहाँ जेल में ही एक पार्टी बने रही जनता पार्टी, और उसका चुनाव रही चक्र में हलधर, और वो चुनाव चिन्ह रही चौधरी चरण सिंह की। अच्छा, लोक दल की कारनाम रही चुकर। तो वो सब दल एकजुट होके जनता पार्टी के नाम से पहला चुनाव इमरजेंसी के बाद लड़ी है 77 वाला चुनाव। तब ये चुनाव जब चर्चा चली से ओकर बाद में देखें कि भाई देशपांडे महाराज हम जानत रही और नेता मन हो, तब करा विधानसभा रहे वहाँ, और वहाँ काम तो मोर काफ़ी जगह पे होत रही से दूर दूर तक, लेकिन मोर रहना बसना और ज़्यादा काम मोर तब करा विधानसभा क्षेत्र में रही। पार्टी वाला मन सोचें कि ये लड़का के ऐसा काम है, एकर से बढ़िया कैंडिडेट कोई नहीं मिले। मोर बाबा मनला मोर दादा मनला पूछें, हम ऐसा चाहत हैं कि ये लड़का ला इस बार चुनाव लड़ाना है। अच्छा, कोई नौकरी उकरी करी का? तो दादाजी बचे नौकरी उकरी नहीं करे, तो फिर तो सबसे अच्छा है। पहले ही मना कर दे रही नौकरी उकरी के बातें भी है। मैं फिर पहले तो जनसंघ के नाम से हमेशा जीतत रही हूँ, नरहरी प्रसाद साहब जीते, एक बार और कोई दूसरा क्षेत्र से जीते, हमारे दादाजी मन सबों में काम करें। तो मोर चुनाव जब हुई, इसमें शुरू चुनाव चक्र में हलधर में खड़े हुए और कांग्रेस के जमानत जब्त, ऐसा भारी जीत से, और यहाँ से हमारे नेतागिरी मुख्य मार्ग में शुरू होगी। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा बात आप बताए। यहाँ से फिर आप उत्तरोत्तर जिन हैं आगे? हाँ, अलग अलग, फिर वो तो 77 में आगे, तो 80 में एक बार मैं हारे रहे, फिर 85 में फिर जीत गए, फिर बहुत लंबा चौड़ा है, फिर मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे, और वो समय नरेंद्र भाई मोदी हमारे प्रभारी रहे संगठन के, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, राजमाता जी के साथ लंबा लंबा दौरा करे हों, आडवाणी जी के प्रेरणा से, और इधर कुशाभाऊ ठाकरे जी जो संगठन में रहें, ये सब मोला लेकर के और पूरा राजनीति के मुख्य धारा में मिला दिले, और जनसंघ के बाद जनता पार्टी, जनता पार्टी के पास बीजेपी आई कमल छाप, वो में सब सक्रियता से मैं आगे बढ़ गए। जी, जिसे आजकल राजनीतल लेके आम जनमानस के जिन राय है तिन बदलत है, लेकिन आज भी आप जिसे राजनीतिक संत जिन हैं राजनीति में हवें, तो उनखर एक बड़े जिम्मेदारी बन जे थे कि जिन जो नवा पीढ़ी है ओला नवा दिशा दे सकें। बड़े बड़े आदमी मन भी जब दिल्ली में आ मुड़करा आते और हमारे कमीशन में बैठते हैं, तो उमन की यही बात ला बतान कि ये बात सब समाज में चालू करो नया, क्योंकि आने वाला पीढ़ी के हमन के ऐसा बनाना है जो हमारे भारत प्राचीन रही, जहाँ मैंने हुएनसांग फाहियान जैसे आदमी आकर के यहाँ कर ज्ञान ला सीखत रही, यहाँ कर समाज का स्वरूप ला समझत रही, ऐसा देश के बनाना है।
ऐसा देश नहीं होना चाहिए कि अभी जैसे 80 साल के कोई वृद्ध आदमी 5 साल के लड़का के साथ में रेप करते हैं, ये देश कहाँ चाहिए। तो इसलिए हमला विचार करना है, उमला में बतान कि समाज के प्रति, हमारे नारी समाज के प्रति, छोटे छोटे लड़का मन के प्रति करुणा दया का स्वभाव कैसे समाज में माने फिर से पैदा हो, सब आदमी मन के प्रति करुणा भाव रखें। कि परिधान में आप का पसंद करते हो, कपड़ा में का पसंद करते हो? मोर परिधान तो लगभग यही रहते, धोती और कुर्ता। और बाल आप शुरू से ऐसा रखे हो कि बाद में वही जैसे? नहीं नहीं, ये लंबा तो बाद में रखवाए हैं, ओकर समय कुछ और अलग हो रही, शुरू तो छोटे बाल रही थे। हाँ। लेकिन ये बाद में एक बार का हुई ना, मैं जब जेल रोड वाला घर में गए। हाँ। तो आसपास में नाव मिलवे नहीं करें। तो एक दो दिन में जाए तो नाव कहेगा भैया जी अखन तो बहुत भीड़ है, थोड़कुन एक आध घंटा भर आ जा बाद में आ जाते तो मैं थोड़ा बाल ला बना दूँ। तो मैं कहें कि भाई बड़ा मुश्किल है, दो बार तीन बार के मैं कहें ये बाल ला बनाने ही नहीं है। खाए में आप क्या पसंद करते हो? खाना तो मोर बड़ा सादा है। मोर दाल भात तीन तरकारी रोटी वोटी सब खाता हूँ, लेकिन उनमें नमक नहीं रहे। और मोर अब ऐसा होगी से हमारे पूरा परिवार में मैंने मांस मछली शराब उराब बिल्कुल वहाँ से ख़त्म हो गई। पहले तो हमारे दादाजी के ज़माना में ओकर पहले चलत रही थे मांस मछली ये सब, लेकिन मोर जमाना आते है बाबूजी के समय थोड़ा बंद हुई, काहे कि हमारे मामा घर में हमारे नाना जी रही वो चौबीसों एकादशी व्रत करत रही। अच्छा। पूरा परिवार सात्विक रही। अच्छा, हाँ, कोई सा भी अच्छा मिठाई जैसे कोई मिठाई नहीं है तो गुड़ शाम मैंने भोजन करे के बाद थोड़ा सा गुड़ मैं जरूर खाता हूँ। अच्छा। हाँ, गुड़ अनिवार्य रूप से, चीनी के मोर रुचि नहीं है। लेकिन गुड़ अगर मिल गए तो उससे बढ़िया मिठाई और दूसरा नहीं है। कोई फिल्म जिन आप लोग बहुत पसंद आए वो अपन टाइम में? ये जो धर्मेंद्र रही थी एक तो अभी हमारे दुयो पार्ट हमारे पार्टी में चुनाव लड़ रहे थे हेमा मालिनी। हेमा मालिनी हाँ, ये ड्रीमगर्ल। हाँ, ओकर पहली भी राज कपूर पूर के भी फिल्म ला देखत रहूँ। हाँ। लेकिन ये लोग जब आए उस समय बहुत कुछ कुछ फिल्म ला मैं देखत रहे। हाँ। एक फिल्म बने रही सेमन कर बड़ा चली सो सोले सोले। हाँ, ओला मैं कई बार देखे। अच्छा। हाँ हाँ, तो इस टाइप के जो गुंडा दुष्टों को मैंने उसके खिलाफ खड़े होने वाले जिस टाइप का फिल्म, और फिर जब रामानंद सागर बनाए रामायण रामायण वो के बहुत बड़ा देखे। महाभारत जो बनी ओला भी बहुत लंबा चौड़ा देखे। इतिहास के कोई कथा पर अगर कोई चित्रित है कोई फिल्मांकन है वो भी बहुत बड़ा मोर रुचिकर विषय में रहा है। जी, राष्ट्रीय स्तर में आपके पास बहुत बड़े जिम्मेदारी है अतिक बड़े आयोग के, आपके का सपना है, का आपके लक्ष्य है? मोर इच्छा ऐसा है, मोर सपना ऐसा है, कमीशन में तो सीमित क्षेत्र है लेकिन पूरा विभाग को हम लोग समीक्षा करते हैं, सारा विभाग ला समीक्षा करके ओकर आदिवासी मन के कैसे देख रेख करत हैं, उन प्रमोशन कैसे है, उनका नियुक्ति ठीक है कि नहीं, उनका जो भर्ती का जितना प्रतिशत आरक्षण है वो पूरा होते कि नहीं, ये बात ला सब हमन देखत। लेकिन मोर अंतिम इच्छा ये है, मोर लक्ष्य कोशिश ये करता हूँ कभी अवसर अगर मिलती तो प्रशासन कर एक नया ढांचा एक नया स्वरूप खड़ा करे के विचार होते, जेकर में गरीब दुखी लूटे पिटे दीनहीन आदिवासी और अन्य सब गरीब एक साथ मिल करके उठाएं और ओमन सामाजिक दृष्टि से प्रबल हों, आर्थिक दृष्टि से प्रखर हों और राजनीतिक दृष्टि से चतुर और कुशल हों और ओमन सब अपन अपन धंधा ला करके पूरा मजबूती से खड़ा हों और सब समाज एक साथ मिल करके चलें और ताकि वो प्रदेश है वो गांव एक तो गांव अगर ठीक हो तो इलाका ठीक हो ही, इलाका ठीक हो ही तो जिला ठीक हो ही, तहसील ठीक हो ही और पूरा प्रदेश ठीक हो ही, ऐसा प्रशासन कभी बन जाए और उकर बाद में सबका सब पढ़े लिखे हो प्रबुद्ध हो, ऐसा प्रशासन केवल एक प्रदेश में नहीं प्रदेश के बाद देश में और देश के बाद संपूर्ण विश्व में फैले ऐसा कभी हो जाए तो उससे आनंद का
दूसरा दिन नहीं हो सके। बहुत सही बात है बोले, और बहुत सुगर सुगर बात आपसे करेल मिलीस, और बहुत सारा आपके जिन पुराना स्मृति में है वह मुझे आए के अवसर मिलीस, तो आपके बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप अतका समय देसी टॉक लगे हो। धन्यवाद।